नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सैंडविच की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने पैन गरम करके उसमें एक स्पून जो बटर ऐड कर दिया है। तो आप देसी घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों को जो है कच्ची सब्जियाँ सैंडविच में पसंद नहीं होती है, इसलिए मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। जस्ट 2 कप मैंने चॉप्ड कैबेज ले लिया है, हमें जस्ट इसे मिक्स करना है। उसके बाद 1.5 कप जो है वो चॉप्ड कैप्सिकम लेना है, 1 से 1.5 कप चॉप्ड ओनियन लेना है, 1 से 1.5 कप बॉइल्ड चॉप्ड पोटैटोज लेने हैं, 1/2 स्पून हमें 1/2 स्पून जो है नमक इसमें ऐड कर देना है। इसे सॉटे करना है। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है। 1 स्पून जो है वो चिली फ्लेक्स मैंने ले लिया है, 1 स्पून ओरेगानो लिया है, 1/2 स्पून हमें इसमें फिर से मिक्स करके हमें थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर जो है वो स्प्रिंकल करना है, और स्पाइसीनेस के लिए हमें थोड़ा सा जो है 1/2 स्पून से भी कम हमें रेड चिली पाउडर जो है वो ऐड कर देना है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर हमें डाल देना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सब्जियां है वेजिटेबल्स है वो रेडी हो गई है, उसका कच्चापन जो है वो निकल गया है। अभी हमें गैस बंद करके थोड़ा सा उसे ठंडा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने 4 स्लाइस जो है ब्रेड की ले ली है। तो हमें सबसे पहले तो ब्रेड के सारी जो साइड से बॉर्डर वो निकाल लेनी है ब्राउन कलर की। तो हमारे सैंडविच के लिए हमें ब्रेड जो है वो रेडी करना है। इस तरह जो है मैंने चारों साइड्स उसकी निकाल ली है। एक साइड पर हमें टोमेटो और दूसरी साइड पर हमें ग्रीन चटनी जो है वो लगा लेनी है। ग्रीन चटनी की रेसिपी फ्रेंड्स मैंने आपके साथ लिंक शेयर की है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके ऊपर कैरेट, टोमेटो, ककड़ी हमें डाल देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें वेज मेयोनीज जो है वो अच्छे से डाल देना है। बच्चों के लिए वेज मेयोनीज भी बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद जो हमने वेजिटेबल्स फ्राई कर लिए थे इसका लेयर इस पर हमें डालना है फ्रेंड्स, और सबसे आखिरी का काम हमारा चीज़ जो है, चीज़ स्लाइस। तो मैंने अमूल का चीज़ स्लाइस लिया है, ये इस पर रख देना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सैंडविच है वो रेडी हो गया है। अब हमें इसे पैन में दोनों तरफ से बटर डालकर फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना कलरफुल हमारा सैंडविच बना हुआ है। तो इस तरह हमें जो है फ्रेंड्स दोनों तरफ से अच्छे से इसे ब्राउन होने तक सेक लेना है, तो हमारा सैंडविच रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं या इसे बीच से काट कर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी जो सैंडविच रेसिपी है आपको कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप भी घर पर ट्राई करके आपका एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे आगे के वीडियो भी ज़रूर देखते रहिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मेरा सैंडविच है वो कितना कलरफुल और माउथ वाटरिंग लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।